विक्रम आदित्य द्वारा पिछले कल प्रेस वार्ता कर संघ पर टिप्पणी करना बिल्कुल भी नहीं भाया और सोलन में पन्ना प्रमुख सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री ने जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उनके टारगेट पर केवल विक्रम आदित्य सिंह थे। उन्होंने कहा कि विक्रम आदित्य सिंह जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह शोभा नहीं देता है। मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने 3 राज्यों में जीत क्या हासिल कर ली। कांग्रेस अध्यक्ष जीत में मानसिक रूप से प्रभावित दिख रहे हैं और यही कारण है कि वह शब्दों का चयन भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि देश की जनता उन्हें बुरी तरह से नकार रही है और यही नहीं, हिमाचल प्रदेश के नेता जो अभी चलना सीख रहे हैं वह भी उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं और उनके खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने इशारों इशारों में विक्रम आदित्य सिंह को चेतावनी देते हुए कहा कि वह अपनी वाणी पर विराम रखें, अन्यथा भाजपा कार्यकर्ताओं को उनसे भी ज्यादा बोलना आता है, इसलिए वह अपनी वाणी और विचारों पर नियंत्रण रखें। उनके खिलाफ जिस प्रकार की टिप्पणी का इस्तेमाल करके, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करके छोटी मानसिकता का प्रदर्शन दिया है और उसको पूरे देश ने स्वीकार नहीं किया है, देश ने उसमें पूरा अपना उस पर विरोध जाहिर किया है हर जगह से। जो भी सभ्य आदमी है जो उसको सुनता है वो सोचने पर विवश होता कि ये कांग्रेस पार्टी का एक जिम्मेवार आदमी, जिम्मेवार नेता बोल रहा है क्या। और यही परिस्थिति मुझे लग रहा है कि उनसे प्रभावित होकर के ये जो हमारे छोटे नेता है जो अभी थोड़ा थोड़ा चलना शुरू किए हैं तो वो लोग भी इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहते, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं उनको थोड़ा संयम रखना चाहिए, भाषा पर रखना चाहिए, व्यवहार में रखना चाहिए, वो बहुत उपयोगी होगा। अन्यथा बोलने की क्षमता उनमें नहीं है, बोलने की क्षमता हमारे साथियों में भी उनसे कम नहीं है, उनसे ज्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति हम नहीं चाहते हैं कि यहां पर वो सारी चीजें हों। मुद्दों पर बात कहें,